नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार थम गया, ऐसे में चुनाव प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने टिहरी गढ़वाल में धनोल्टी के साथ ही उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा में एक विशाल जनसभा की। उत्तराखंड में डबल इंजन और विकास के मुद्दे को लेकर अमित शाह ने कई बातें कही। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की हर गरीब को लाभ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशुल्क मकान, बिजली, गैस सिलेंडर, राशन दिया है। प्रदेश में दोबारा सरकार आने पर प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी करेंगे। लश्कर में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने जीत का दावा किया। वहीं अंतरिक्ष सैनी ने फतवा गांव में लड्डू से तोलकर उनका स्वागत किया गया। फतवा गांव के लोगों ने कहा कि वह बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से रहे भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। आने वाली 14 फरवरी को पंजे के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस को सफल बनाएंगे। डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी ने कहा कि जनता सब जान चुकी है, इसलिए वह बदलाव चाहती है। सब समाज के लोगों ने लड्डू से तोलने का काम किया और मैं इनकी भावनाओं से इतना संवेदनशील हो गया कि भाई मुझे इतने व्यस्त कार्यक्रम में इनके रुझानों को ठुकराना नहीं था और मैं यहाँ पर आया हूँ। और पूरी विधानसभा में इसी प्रकार पूरा माहौल है, संवेदनशीलता है, और इसके लिए मैं इन सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। काश तो प्रभावित हो गई, जो व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करेगा तो क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएगा। और हम ये आश्वासन ही दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे आप हैं ऐसा ही मैं हूँ, जब अगर यहाँ की जनता हमें ये ताकत देगी तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र का विकास होगा। सहसपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देव सिंह कुंडीर की धर्मपत्नी भी भाजपा प्रत्याशी के लिए क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे जारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। क्षेत्र की जनता का भी उन्होंने अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं जितने भी ग्राम सभाओं में जा रही हूँ, महिलाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा सैलाब टूट रहा है। जितनी भी ग्राम सभाओं में जा रही हूँ, सारी महिलाएं ज़्यादातर मेरे ही साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, जितनी भी योजनाएं निकली हैं सब उनके पास तक पहुँच रही हैं। तो कई लोगों के पास जैसे नहीं पहुँच पाई हैं तो वो मुझे बता रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों को नोट किया है और उन जो भी समस्या है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की। मेरा तो यही कहना है, हमारे विधायक जी आए और भाजपा को ही हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाजपा ने सबके लिए बहुत अच्छा किया है और बहुत कार्य ऐसे किया है जो कांग्रेस के राज में हमें नई सुविधा मिली। भाजपा के राज में राशन फ्री और सिलेंडर फ्री, बहुत कुछ ऐसी सुविधा है जो हमें कांग्रेस से नहीं लाभ मिला। और मैं तो यही कहूंगी कि हमारी सरकार आए, हमारा सैदब सिंह कुंडीर जी आए, और जो ये कांग्रेस की जो सरकार थी तो इसमें दो काम ऐसे हुए जो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो, विधायक वो रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने क्या किया, जाते जाते मतलब दो मियां बीबी को पेंशन मिलती थी बुजुर्गों के, उनकी एक की कर दी। जो बुजुर्गों को आंगनवाड़ी में राशन मिलता था वो बंद कर दिया, तो कैसे जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। पौड़ी में विधानसभा निर्वाचन 2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से पोलिंग पार्टी रवाना किया है। स्थल करडोलिया मैदान में माइक्रो आर्बर कक्ष सहित विधानसभाओं में ईवीएम कक्षों का निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त आरओ को निर्देशित किया कि पोलिंग पार्टियों को वितरित की जा रही ईवीएम मशीनों का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर समस्त पोलिंग पार्टियों को पूरी सामग्री के साथ रवाना किया गया। यहाँ पर कंडोलिया फील्ड में पौड़ी विधानसभा, शिवली विधानसभा और चुपट्टाखल विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। और हमारा कोटद्वार डिग्री कॉलेज से कोटद्वार विधानसभा, लहसुन विधानसभा और एमपीसी विधानसभा, उनकी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। वहाँ के सभी इंटरनिंग ऑफिसर्स द्वारा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर भी सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है, साथ में उनके जो ड्यूटी ऑर्डर्स हैं वो रिसीव किए जा रहे हैं। हमारी सारी व्यवस्था के दौरान उनको खान पान व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि मतदान के दिवस से पहले
जो पोलिंग पार्टी रवाना होती है, पोलिंग का जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल होता है, वहीं पर जाकर निवास करेंगे। साथ साथ में जो भी व्यवस्था है वहाँ पर उनको कॉन्टैक्ट नंबर सूचित कर दिया गया, जिससे लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा, किसी भी आकस्मिकता को या किसी भी दुर्घटना को सूचित करेंगे। रुड़की पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने रोड शो के दौरान जनसभा को संबोधित किया। यहां चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार के लिए वोट देने की अपील की। वहीं जनसभा में जनसैलाब दिखाई दिया। जनसभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि रुड़की विधानसभा में एससी एसटी और मुस्लिम समाज का लगभग 60,000 वोट है और हमारे यहाँ समाज एकजुट होकर भाई गुलबहार को वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलबहार ने कहा, हमारी पार्टी एकता के लिए काम करती है और मुझे रुड़की की जनता पर भरोसा है। कार्यक्रम तो कोई भी नहीं था, ये तो ये डोर टू डोर जैसे जा रहे रैली वगैरह, मतलब जा रहे थे 5 मिनट के लिए और लोगों को संबोधित किया। 5-7 मिनट में ही जनसैलाब इतना होगा कि चंद्रशेखर भाई को जाना पड़ा, क्योंकि बढ़ते जनसैलाब को इतना ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे कि हम भी घबरा गए थे। रुड़की की जनता एक सच्चाई की तस्वीर देख रही, सच्चाई सच पर चलने वाली पार्टी है। भीम आर्मी लोगों के पीछे से मदद करती आई है। वही लश्कर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने दावा किया कि हरिद्वार विधानसभा की 11 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारे हैं। प्रदेश महामंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीट वह पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगी। सबसे पहले वह स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य रहकर शिक्षा ग्रहण किया जा सके। आज हम मौजूद हैं विधानसभा लक्सर में और हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी से प्रदेश महामंत्री राजू जी। सर, आपकी पार्टी उत्तराखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कैसी स्थिति है? देखिए, यहाँ हम 11 सीटों पर लड़ रहे हैं, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और 11 सीटें इस उत्तराखंड की मीडिया भी जानती है और जनता भी जानती है, और इतनी मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे अपनी उत्तराखंड के अंदर। ये भीम आर्मी का वादा है जनता से, और भीम आर्मी के साथ अपने वादों पर खरे उतरेगी। जितने हम वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे और आज तक खरे उतरता है। अगर कोई मामला समाज का होता है या किसी भी व्यक्ति का होगा, किसी भी समाज का होता है, तो हम वहाँ पहुँचते हैं समय से, और समय से पहुँच कर पुलिस नहीं पहुँचती जब तक भीम आर्मी पहुँच जाती है और अपना समय से काम करती है, ईमानदारी के साथ काम करती है, और जो व्यक्ति किसी पर मतलब जुर्म करता है उसे न्याय दिलाने का काम करती है। आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प है उत्तराखंड के अंदर, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? देखिए, सबसे जो अहम बात वो ये है, शिक्षा फ्री होगी, शिक्षा के बाद चिकित्सा फ्री होगी, और जब दोनों चीज़ फ्री होगी, जब आदमी चिकित्सा से ठीक होगा, मतलब सही होगा, तो काम भी करेगा, और शिक्षा फ्री होगी तो ज्ञानी होगा, और ज्ञानी होगा तो समाज को चलाने का और समाज के बीच में काम करने का और सरकार चलाने का उसके अंदर हुनर होगा। और जब होगा, जब उसके पास शिक्षा होगी, हम सबसे पहले शिक्षा ही फ्री करेंगे, और चाहे हमारे पास बाद में होगा कार्य, लेकिन पहले शिक्षा फ्री करेंगे। आपकी पार्टी से लक्सर विधानसभा से हाजी तस्लीम जी चुनाव मैदान में हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाजी तस्लीम जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आजाद समाज पार्टी ने उन्होंने अपना कैंडिडेट चुना, और कैंडिडेट चुनने के बाद पूरी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ तट पर खड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हाजी तस्लीम साहब का ऐसा चरित्र, उन्होंने पूर्व 2 बार के विधायक हैं और उन्होंने अपना समय 10 साल का ऐसा निकाला, कोई आदमी उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकता। वो बहुत साथ छवि का आदमी है और वो बहुत मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें इसी बार सफलता मिलेगी, ये जनता का वादा है। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी से प्रदेश महामंत्री राजू जी, जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार आजाद समाज पार्टी पूरे जोरों थोरों से मैदान में है और जीत प्रबल होगी। लक्सर से प्राइम टीवी के लिए रजनी सैनी आज हम मौजूद। कांग्रेस प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। वहीं अलवी समाज के लोगों ने बेड़पुर में कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही लोगों ने भारी मतों से जीत दिलाने का विधायक से वादा किया। इस दौरान फुरकान अहमद ने कहा कि जिस निकम्मी सरकार से
जनता परेशान हो चुकी है और भाजपा सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि बचे हुए विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने विधानसभा के गांव बुग्गावाला बुधावा शहीद तेलपुरा में डोर टू डोर वोट मांगे और क्षेत्रवासियों से अपील की कि आने वाले 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम करें। भाजपा 60 पार का नारा अब की बार विधानसभा ज्वालापुर में होगा। भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने कहा कि जो मेरे 3 प्रोजेक्ट अधूरे हैं वो इस बार पूरे हो जाएंगे। समर्थन दिया है और ये क्षेत्रीय समाज देश और दुनिया में माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी में इनकी गहरी पहचान पकड़ रहती है, तो मैं अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ और भारत माता का गुणगान करता हूँ, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो अपने क्षेत्रीय समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया उसका हमारे गौरव के रूप में जाना जाता है। हम इनका भावपूर्वक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विधायक जी के साथ थे सुरेश राठौड़ जी के, आने वाले 5 साल अब भी काम भी करवाएंगे, सबका साथ सबका विकास, काम बहुत होया है। माने सुरेश राठौड़ जी जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, कोई जाति बहुत का कोई मामला नहीं है, समझिए। हमारे घर घर सम्मान ऐसे है जैसे घर के परिवार के लोग हैं। सुरेश राठौड़ जी बहुत काम करवाया हमारे विधानसभा में, बहुत काम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ, और अब क्या इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जहाँ जहाँ हमारा काफिला जाता है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा संगठन हमें भेज रहा है, वहाँ वहाँ से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है, सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और सभी कार्यकर्ता बहुत पुरजोश होकर कार्य कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आने वाला जो 14 तारीख है उसमें पता चल जाएगा कि हमारा वोट कितना है, हमें कितना वोट मिल रहा है। और जो ये समाज हमारे विकास के कार्यों को देख के, हमारे मोदी जी की नीतियों को देख के हमारी ओर आकर्षित हो रहा है और विधायक सुरेश राठौर के पक्ष में खड़ा हो रहा है, और विधायक सुरेश राठौर को मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से पूरी विधानसभा के लोग, हर समाज के लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड में रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 510 नए संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। 1348 ठीक हुए हैं और 6697 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 18,552 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान के तहत विकासनगर बाजार में मुन्ना सिंह चौहान ने जनसंपर्क कर व्यापारियों से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं बाजार में जनसंपर्क के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई, लेकिन आपसी समझदारी से सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।